जीतेंगे 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 आज भी हम जीतेंगे आज भी वो हारेंगे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे नरेंद्र मोदी शर्म करो अमित शाह शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस शर्म करो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद और इस प्रोटेस्ट को क्या नाम है भाई आपका आयुष जैन कहाँ रहते हैं पुणे में आप पुणे में सियांगढ़ कॉलेज सियांगढ़ कॉलेज में पढ़ते हैं आप हाँ। अच्छा तो सियांगढ़ जाते हैं आप घूमने ऊपर जाते हैं जाते हो और कहाँ जाते हो घूमते अभी तो प्रोटेस्ट में आया हूँ बस नहीं तो रहने वाले पुणे के ही हो दिल्ली के रहने वाले पुणे में भाई रहता है और अकेले प्रोटेस्ट के लिए सिर्फ यहाँ आया है नहीं नहीं तो आया तो किसी और काम से होगा नहीं नहीं अकेले पुणे में सियांगढ़ रोड पे रहते हो कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो कहीं बाहर रहते हो हॉस्टल में रहने वाले कहाँ के हो नासिक के आगे अच्छा कौन सी जगह धूले धूले के हो अच्छा धूले जो है इंडिया की फर्स्ट प्लान सिटी बनी थी धूले वही है ना धूले पेरिस के बेस पे बनी उसके बाद चंडीगढ़ बनी थी लेकिन चंडीगढ़ ज़्यादा अच्छा हो गया धूले थोड़ा पीछे रह गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हाँ तो वड़ा पाव लेके आए हो साथ में नहीं लाए तुमने हाँ वो तो खत्म हो गया होगा क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में जो दिल्ली में हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप देखिए ऐसा है कि मतलब लोगों अपने हक के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये एक लोगों में जोश है जुनून है ये कोई नेताओं के चमचे या कोई पॉलिटिक्स है इसमें जुड़े हुए लोग नहीं है ये सब लोग इंडिविजुअली अपने हक मांगने के लिए जो गवर्नमेंट ने आज
हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप को थोपा है, तो इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सब लोग आज है, तो बस हम इस बात का समर्थन करें। आपका नाम क्या है भाई? आयुष जैन। आयुष जैन नाम है, पूना से आए हैं ये और धूले के रहने वाले हैं। दिल्ली में इस वक्त आधी रात के बाद ठंड में, और ये पुणे वालों को बेचारों को वैसे भी जो है ना ठंड वंड का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो हाँ वो इधर के ना कुछ लड़के इधर के चले गए। प्रोटेस्ट अभी पांच जगह चल रहा है, पांच अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो अपने साथियों के साथ हैं, कुछ लोग आसपास के इलाके के प्रोटेस्ट पैन इंडिया नहीं हो सकता, जो भी वायलेंस हो रहा है पुलिस की तरफ से हो रहा है। तो एक जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक पिछली बार की तरह इस बार भी, देखिए पिछली बार और इस बार का फर्क मसला नहीं है, मसला हमारे बेसिक राइट का है कि राह चलते हुए आदमी को आप पकड़ लेंगे, आप लोगों की पिटाई करने लगेंगे, आप कहेंगे कि हमने उसको मारा जो स्टूडेंट नहीं था, तो मतलब जो स्टूडेंट, हम तो लड़ाई यहाँ पर समान नागरिकता के अधिकार की हो रही है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो भी वो नागरिक है, तो आप किसी नागरिक को ये कैसे पकड़ सकते हैं कि स्टूडेंट नहीं है। इस तरह के चीजों के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए विरोध करते हैं। ठीक है, तो जब तक कि यहाँ क्या नाम है आपका? अपना नाम बताएंगे? इरफा। क्यों आई है मैम आप यहाँ? यहाँ पे जो अरेस्ट करे हुए हैं उनको रिलीज कराने के लिए। आपको ये जो इंसिडेंट हुआ आज दिल्ली गेट पे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो दिल्ली कर रही है? देखिए शुरुआत में तो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जितने सारे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे वो बहुत शांति से बैठे हुए थे और अच्छे खासे घंटों तक शांति से बैठे रहे, मगर एंड में जाहिर सी बात है कोई ना कोई इन लोगों का प्लान हुआ, क्योंकि इन लोगों ने एंड तक ये प्लान कर रखा था कि भाई हम अगर बिल्कुल लाठीचार्ज लास्ट में करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो ऑफकोर्स गलत हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ। एक वीडियो प्रोटेस्टर्स तो शांति से ही थे। एक पुरानी दिल्ली से एक वीडियो सर्फेस हो रही है जिसमें पुलिस वाले छत के ऊपर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, वो वीडियो देखा है आपने? एक वीडियो है जिसमें लोग पुलिस वाले छत के ऊपर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, दरियागंज से आई है, अभी वो क्लियर नहीं हुई है वो वीडियोस की, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी वो सही तरीके से उसकी प्रॉपर जांच हो रही है, और उसमें जो भगदड़ मची है वो बाहरी आउटसाइडर लोग थे जिन्होंने वहाँ पे इस तरीके का वो किया, उसको माहौल को, उसको जो शांतिपूर्वक जो वहाँ चल रहा था उसको भंग करने का वो जो साइटर कुछ लोग थे जो वहाँ आकर के उन्होंने उसको माहौल को ख़राब किया। मैम आपको क्या लगता है सिर्फ बीजेपी, जहाँ जहाँ दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी कंट्रोल में वहीं वायलेंस हो रहा है पूरे इंडिया में? जी हाँ बिल्कुल, मैंने अभी तक तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स देखे, क्योंकि एक लिस्ट देखी थी मैंने जिसमें कि चार पांच स्टेट्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे बीजेपी का कंट्रोल नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट जो है वो शांति से हो रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी का है वहाँ उन लोगों ने दिखा रखा था कि पुलिस मतलब बहुत वायलेंस हो रहा है,
क्योंकि आज के में तो एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट न्यूज चैनल्स भी बोल रहे थे कि कितना ज्यादा शांति से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सारी चीजें। आज जामिया के अंदर कम से कम आई थिंक 50,000 पीपल्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रहा वहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और आपने देखा होगा जामिया की जो वीडियोस आई होंगी, कम से कम 50,000 लोग थे आज जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो आज हर जगह पे शांतिपूर्वक चल रहा था, बट यहाँ पे माहौल, मेरा हुसैन नाम है, मैं जामिया से हूँ, हुसैन जामिया से। आप भी स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से हैं? मैं भी जामिया से। जामिया से हम नवेद हामिद साहब से बात करेंगे। नवेद साहब, आप लाइव वीडियो पे हैं, क्या कहना चाहेंगे अब ये जो हो रहा है रोज? देखिए, तो पुलिस का जो पूरा अमन है वो रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि केंद्रीय सरकार, जो मरकजी सरकार है और जो होम मिनिस्टर खासकर अमित शाह, वो तमाम उस प्रोटेस्ट को दबाना चाहते हैं और बहुत ही मतलब ब्रूटली दबाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका डर और खौफ जो है वो नौजवानों में बैठ जाए। लेकिन नौजवान जो है, मुझे लगता है कि वो डरने वाले अब नहीं हैं। बच्चियाँ और बच्चे जिस तरीके से पूरे यूनिवर्सिटियों से निकल के बाहर आ रहे हैं और अपने मोहल्लों से और घरों से निकल के बाहर आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये सैलाब जो है ये रुकने वाला नहीं है। नवेद साहब, आप एक बड़ी तंजीम को हेड करते हैं, मुशावरत को, लेकिन आपके अलावा किस बहुत जितनी भी तंजीमें हैं, खासतौर मुस्लिम तंजीमें हैं या मुस्लिम सो कॉल लीडर्स हैं, उसमें तो कोई सड़कों पे प्रोटेस्टर्स के बच्चों के साथ नजर नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुशावरत तो एक विफाकी इदारा है, तो अगर मुशावरत का जिम्मेदार सदर शालिनी, व्हाट वुड लाइक टू से अबाउट दिस? What is happening in Delhi especially? Today they detained a lot of people at Daryaganj and it was bloody. The photos that have been surfacing on the internet, they show that it turned very bloody. काफी लोगों के साथ मारपीट करा गया है, अभी भी लोग डिटेन्ड हैं, माइनर्स डिटेन्ड हैं, औरतें डिटेन्ड हैं। हम यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक उनको रिहा नहीं करा जाएगा। People are saying that violence is happening only where police is under BJP's control. What do you have to say about it? मुंबई में शिवसेना का कंट्रोल है पुलिस में, मुंबई में पीस प्रोटेस्ट था, लखनऊ में बीजेपी कंट्रोल पुलिस है, लखनऊ में एक दिन के प्रोटेस्ट में, बॉम्बे में 1.5 लाख लोग आए थे, लखनऊ में 2-3 हजार लोगों में इतना वायलेंस हो गया, तो ये तो सही बोल रहे हैं। सो वेर एवर बीजेपी हैज द कंट्रोल ओवर द पुलिस, बी इट दिल्ली, बी इट कर्नाटक, बी इट उत्तर प्रदेश, बिकॉज द हेड ऑफ द पुलिस देन ऑटोमेटिकली इज अमित शाह। सो यू सेड दैट वेर एवर द बीजेपी इज इन कंट्रोल वायलेंस इज देयर। Yes. So BJP is the synonym of violence, you want to say? Yes. कहाँ से? सर लखनऊ।